फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जहां पे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, बी का पूछा है कि बी ने कितना वैल्यू एडिशन किया है इसके अंदर, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास दिया है फर्म ए ने सेल की है फर्म बी को, ए ने सेल की है बी को कितने की, यहाँ पे ठीक है 80 करोड़ का सामान बी को सेल किया गया है और फर्म सी को सेल किया है 50 करोड़ का, ठीक है। फर्म सी को सेल किया है 50 करोड़ का और हाउस होल्ड के लिए सेल किया गया है 30 करोड़ का, ठीक है। देन गुड्स ऑफ वैल्यू 10 करोड़ रिमेन अनसोल्ड। अब यहाँ पे तो भाई ये तो पूरा स्टॉक लेके बैठा है, यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं अनसोल्ड, ठीक है। ये भी ए को भी सेल किया है, बी को भी सेल किया है, सी को भी सेल किया है और ये सामान है अनसोल्ड। अनसोल्ड का मतलब क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। कितने का बचा हुआ है, 10 करोड़ का इसके पास अभी यहाँ पे सामान बचा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी सेल और ये देखें तो यहाँ से क्या निकल रहा है, ए का आउटपुट नजर आ रहा है। तो अगर हम ए का आउटपुट कैलकुलेट कर लें कितना हो जाएगा, ए का आउटपुट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बेसिकली, और चेंज इन स्टॉक में ओपनिंग तो है नहीं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग जीरो है वो भी यही रहेगा, सॉरी सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स कितनी आ रही है इसकी, 80 प्लस 50 प्लस 30, तो यहाँ पे 80 160,000 की तो उसकी सेल नजर आ रही है, प्लस इसका 10 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 170 मीन्स आपके पास करोड़ नजर, ठीक है, 170 करोड़ का आपके पास ए का आया ये, और क्वेश्चन में पूछा गया बी का, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ये ए का आउटपुट है। क्या चीज है ये, ए का आउटपुट, वैल्यू एडिशन नहीं है, आउटपुट है। नेक्स्ट आ जाते हैं बी ने सेल किया है, अब हम बी पे आ जाते हैं, बी ने सेल किया है सी को कितना सामान, 70 करोड़ का, ठीक है। देन डी को किया है इसने 40 करोड़ का, गुड्स ऑफ वैल्यू 30 करोड़ पर एक्सपोर्टेड। अब उसने आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट किया है कितने का, 30 करोड़ का, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ 5 करोड़ सोल्ड टू गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट को भी सोल्ड किया है कितने का, 5 करोड़ का, 5 करोड़ का उसने गवर्नमेंट को सेल किया है, ओके। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, चलिए अब यहाँ से हमें क्या नजर आ रहा है इसका, बी की सेल, चाहे बी ने एक्सपोर्ट किया है, चाहे गवर्नमेंट को बेचा है, चाहे हाउस होल्ड को बेचा है, चाहे किसी को भी बेचा है ना, सेल है ना, तो यहाँ पे इसकी सेल कितनी आ जाएगी, यहाँ से क्या निकलेगा, सेल, ठीक है। और सेल, और जब आपका चेंज इन स्टॉक जीरो है तो सेल ही क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा, किसी को आउटपुट बोलेंगे, जितना बनाया सारा बेच दिया, समझ में आ गया, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और इसका सेल ही हमारी क्या बन जाएगी, आउटपुट बन जाएगी। यहाँ तक कोई इशू, आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक के नाम में तो कुछ भी नहीं है ना, क्लोजिंग है ना ओपनिंग है, तो फिर आउटपुट ही हमारा सेल्स के बराबर होगा, तो सेल्स को ही आउटपुट लिख सकते हैं, बता दो कितना है, 30 40 70 70 और ये 145 करोड़ का आउटपुट, 145 करोड़ का सामान इसने बेचा है, ठीक है जी। फिर यही इसकी सेल है और यही इसका आउटपुट है, इसमें कुछ करना ही था, बस एक एक वैल्यू निकालनी थी। दूसरा और क्या पूछा गया है, वैल्यू एडिशन पूछा है, तो इसने क्या वैल्यू एडिशन किया है यहाँ पे बता दो,
यहाँ पे कितना वैल्यू एडिशन किया है, इसने कुछ खरीदा है, कहीं से कुछ खरीदा है, बताओ। ए से, यस, हम किसकी बात कर रहे हैं? बी की बात कर रहे हैं। तो बी ने खरीदा है, और वो बी ने कहाँ से खरीदा है? ये रहा, 80 का खरीदा है, किससे? ए से। तो ये इसकी क्या बन जाएगी? ये इसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट बन जाएगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे इसका क्या फॉर्मूला होता है? वैल्यू एडिशन का आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। डन। आउटपुट दिखाई दे रहा है 145 करोड़ का, और इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब कितने में खरीदा था, तो खरीदा है इसने कितने का? 80 करोड़ का। तो वैल्यू एडिशन आपका यहाँ पे 65 करोड़ का नजर आ रहा है। ठीक है, डन। ये फ्लो चार्ट में आपको समझाने के लिए किया गया है। जब आप करोगे 2-4 क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसने यहाँ से खरीदा था, यहाँ से खरीदा था, यहाँ बेचा था, तो इतनी सेल है, इतनी वो है, ऐड करो। एक एक लाइन के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था। अब वैल्यू एडिशन के क्वेश्चन आगे आपको मिक्स के अंदर, मिसलेनियस क्वेश्चन के अंदर भी आपको बहुत सारे वैल्यू एडिशन मेथड से सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं, तो उन